बजट के मुताबिक पीटीआई अराकीन को तरक्याती कामों के लिए 24 अरब मिले। अराकीन को तरक्याती फंड देने को पीटीआई करप्शन कहती थी। 10 साल में बिजली के निर्ख इतने नहीं बढ़े जितना इस हुकूमत ने 2 साल में बढ़ा दिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी हिना रबानी खर की कौमी असेंबली में पीटीआई हुकूमत पर तनकीद। बोली, कहा गया था यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब और कोरोना के लिए 150 अरब रखे हैं। हुकूमत कहती है कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन कोरोना आ गया, अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही। आपका मुकाबला हमारे साथ नहीं बल्कि अपने साथ ही है। तीसरी दफा कौमी असेंबली आई हूँ लेकिन आज से पहले इतनी तकसीम कभी नहीं देखी। हम यहाँ तनकीद करने नहीं बल्कि डिलीवर करने आए हैं। आपने रुपये का धसिया नाश कर दिया और फिर आप कह रहे हो फिस्कल डेफिसिट हमने कंट्रोल किया। फिस्कल डेफिसिट तो आपने कंट्रोल ही नहीं किया, करंट अकाउंट डेफिसिट। इंपोर्ट बढ़ाना मुख्तलिफ होता है, कर्जा आपके दौर में हिस्टोरिकल हाईज पे है। एंड स्टॉप सेइंग ये कर्जा हम ये ले रहे हैं आपका कर्जा उतारने के लिए। 2 साल हुकूमत होने के बाद आप अभी तक पुराने माजी में बैठे हो और जो आपसे सवाल किया जाए आपका जवाब ये होता है कि आप क्या करें करते। और आपने क्या वीट का अभी क्राइसिस खत्म नहीं किया? आपका शुगर का क्राइसिस शुरू हो जाता है, शुगर का क्राइसिस खत्म नहीं होता वीट का। और आप बजाय कि उन किसानों को आप कुछ दें इनडायरेक्ट सब्सिडी ऑफ एनी टाइप, आपकी सब्सिडीज किधर जाती हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट की जेबों में। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमें एक दूसरे के ऊपर तनकीद करना के लिए हम यहाँ नहीं आए, हम सारे यहाँ डिलीवर करने आए हैं। मेरा ये तीसरा पार्लियामेंट एज अ पार्लियामेंटेरियन है। मैंने इतनी डिविजन ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कभी नहीं देखी। मैंने कभी नहीं देखा कि ट्रेजरी बेंचेस खुद तमाशा मचाना शुरू कर।